हेलो ऑल, क्या आपको पता है कि प्रोजेक्ट में ग्रेडियंट या कहूँ वॉश आउट इफेक्ट कैसे डाला जाता है? अगर नहीं तो आइए हम साथ मिलकर सीखते हैं। मेरे पास एक डेनिम फैब्रिक का स्वॉच पड़ा था, तो मैं उस पर अब ग्रेडियंट अप्लाई करूंगी। पर कुछ भी करने से पहले मैं एक नई लेयर बनाना प्रेफर करूंगी, जिससे अगर कोई भी गलती हो तो हम उसे डिलीट कर सके और फिर से अपना काम शुरू कर सके। तो अब न्यू लेयर बनाने के बाद जो भी कलर्स आपको चाहिए उन्हें आप अपने ग्रेडियंट मैप में एडजस्ट कीजिए। मैं फिलहाल वॉश आउट इफेक्ट सिखा रही हूँ, इसलिए मैं वाइट जरूर लूंगी। अगर आपको इस तरीके का इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप कोई और कलर भी ले सकते हैं। थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद ये रेडी है, तो चलिए इसे अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद हम इस लेयर का ब्लेंड मोड चेंज करेंगे। इसे चेंज करते टाइम मुझे लगता है ओवरले इसके लिए बेस्ट है, तो हम इसे ओवरले पे सेट कर देते हैं, जिससे हमारे डेनिम का टेक्सचर भी हमें इसमें साथ साथ दिखता रहेगा और ये एक रियल फैब्रिक की लुक देने लगेगा। इसके बाद सिंपली अपनी इन दोनों लेयर्स को मर्ज कीजिए और फिर इसे JPG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो चलिए अब हम अपने क्लो पे वापस चलते हैं और इसकी फाइनल लुक देखते हैं। मैंने एक ये जैकेट बनाई हुई थी, तो अब हम इस पे वॉश आउट इफेक्ट ट्राई करेंगे कि वो कैसा लगता है। मैं इसे एज ए टेक्सचर अप्लाई करूंगी, ग्राफिक की तरह नहीं, क्योंकि मुझे एक रनिंग फैब्रिक मिल जाएगा इस तरीके से। टेक्सचर और ग्राफिक में क्या फ़र्क होता है अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। हमारे टेक्सचर का कलर एग्जैक्ट इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हमारे फैब्रिक पे एक ब्लू कलर अप्लाइड है ऑलरेडी, तो हम इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं जिससे हमें हमारी रियल लुक दिखने लगे। अब आप इसे जैसे मर्जी चाहे एडजस्ट कर सकते हैं, इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं और साथ ही साथ जहाँ पे भी आपको अपना वॉश आउट इफेक्ट दिखाना है आप इसे वहाँ पे ले जाके एडजस्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इसे और लोगों के साथ शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी हर नई अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप अपने सहपाठियों से बात कर पाएंगे। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।